सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं गणेश कुमार गुप्ता और स्वागत है सभी का जीके एजुकेशन आपकी पढ़ाई भारत। सो प्यारे दोस्तों, बात करें एनडीए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पेपर लेवल की। तो हम पूरे एग्जाम का ओवरव्यू कर लेते हैं, पेपर लेवल को देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों देखिए, पेपर लेवल की बात करें ना, तो ज्यादातर पेपर इजी टू मॉडरेट थे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इतने सारे शिफ्ट में पेपर नहीं हुए और नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट, गुड अटेम्प्ट की बात करें ना, जिन साथियों के 118 से 120 भी अटेम्प्ट हैं और 100% एक्यूरेसी है, तो वो भी बिल्कुल एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं हमारी तरफ से और 100% उनका सिलेक्शन होगा आगे की तैयारी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मुख्य इंपॉर्टेंट है, मैथ जो आई थी वो बहुत ही लेंदी और टफ थी, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। ये तीन चीजें मैंने बताई। नेक्स्ट बात करते हैं, सो देखिए दोस्तों, आपको आगे क्या डिस्कस करना है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एनडीए की तरफ से मिनिमम मार्क्स तय किए गए थे, वो मिनिमम मार्क्स गेट के लिए 150 थे, ओके, मीन्स 25%, और मैथ के लिए 75, ये भी 25% था। क्लियर है? अब दोस्तों मैथ की बात करें ना, तो मैथ पूरे पेपर में 43% तक इजी थी, क्लियर है, और गेट की बात करें तो 46% इजी थी, क्लियर। इसके बाद सो दिस इज माय एनालिसिस। अब मैं इस एनालिसिस के बेस पर कह सकता हूं कि एग्जैक्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। सो दोस्तों, इतने सारे मैंने आपको पॉइंट बताए जिसकी वजह से ये कट ऑफ 102% यही जाने वाली है जो हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए चेक इट। सो दोस्तों चेक इट। सो ये रहा दोस्तों आखिरी शॉट इस वीडियो का। देखिए, एनडीए 02 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारे चैनल के द्वारा होने वाला है जीके एजुकेशन के जरिए। सो देखिए, पहला बता दें, जिनके मिनिमम मार्क्स कम से कम 309 से 314 भी बना रहे हैं, वो भी 99% क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को, यदि एक्यूरेसी 100% है शो या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, क्लियर। इसके बाद ये तो रही कम से कम मार्क्स, इतने 309 से 314 नंबर तो होने ही चाहिए हर कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए, क्लियर। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं ना, तो 322 से 328, जी हाँ, 322 से 328 मार्क्स भी बन रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सिलेक्शन 150% इनका सिलेक्शन तो तय है, क्लियर है। सो आप सेफ हो, सिक्योर हो। मैंने दो बेस दिए, पहला मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम। यदि इन दोनों बेस में यदि मेरे कैंडिडेट आते हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का है। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करें और आप अपना स्कोर हमसे शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ये वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करिए और लाइक शेयर अभी नहीं दबाए तो दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जीके एजुकेशन चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।